अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बॉडी स्क्रब बनाना सिखाऊंगी। जिनकी स्किन डल वगैरह हो गई है और ब्राइटन अप नहीं लगती, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, वो यूज़ करें, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्किन ग्लोइंग होगी और ब्राइटन अप होगी और लाइट टोन भी होगा आपकी स्किन का कलर, और आपकी स्किन बहुत अच्छी और मॉइस्चराइज और सॉफ्ट लगेगी इसके यूज़ करने से। मार्केट में तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है, जो घर की चीज़ों से ही बने, तो वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा जी, जो मेरे पास फर्स्ट इंग्रेडिएंट मौजूद है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी आराम से मार्केट में मिल जाती है। यहाँ जो मेजरमेंट है मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट है हल्दी। उसके बाद हमने लिया है कचूर पाउडर, लेमन, हनी। हनी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप ना डालें। इसके बाद मैंने ली है पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी और ब्राउन शुगर में से जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डालें। फिर उसके बाद हम लेंगे कोकोनट ऑयल। फिर आखिरी का जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास दही। ठीक है जी, अब इसको बनाना किस तरह है और मेजरमेंट किस तरह की करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। कॉफ़ी जो मैंने यहाँ ली है वो है 50 ग्राम के करीब। अगर आपने ज़्यादा कॉफ़ी लेनी है तो बेशक आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, तो चीज़ों की क्वांटिटी भी आप बढ़ा देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ ली है 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी और 1 टेबल स्पून के करीब कचूर पाउडर। इन सबको आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ब्राउन शुगर को भी आपने डाल लेना है अंदर। ब्राउन शुगर भी आपने 2 to 3 टेबल स्पून ही लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ कट करे हुए 3 लेमन्स को हाफ हाफ आपने कर लेने हैं, 3 लेने हैं आपने। उसके बाद आपने इसको स्क्वीज़ कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो बेशक आप ना डालें। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, चाहे तो ये भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून की जितना ही कोकोनट ऑयल डाला है इसके अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब हनी। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप बेशक ना डालें, ये ऑप्शनल है। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें कॉफ़ी के अंदर मिक्स हो जाए। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो दही है वो हमने इसमें नहीं डालना अभी। दही आप तभी डालेंगे जब आप इसे अपनी बॉडी के लिए यूज़ करेंगे, मतलब जब आप नहाने जाएंगे तो तभी आपने उसके अंदर दही डालना है, वैसे नहीं डालना। आप बस इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें, जब आपने यूज़ करना हो तो आप थोड़ा सा दही डालेंगे, मिक्स करेंगे और अपनी बॉडी पर लगाएंगे। कॉफ़ी हमारी स्किन को ब्राइटन अप करती है, डेड सेल को रिमूव करती है, और जो दही डाला है हमने वो आपकी स्किन को लाइट करेगा एक टोन, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, जो इस स्क्रब को आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार ही यूज़ करना है और बहुत हल्के हाथों यूज़ करना है, ज़्यादा ज़ोर से मसाज नहीं करनी वरना आपको रैश वगैरह हो सकते हैं। तो सिर्फ एक हफ्ते में एक बार ही यूज़ करना है आपने इसको 1 मंथ तक, और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।